हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो को देख करके आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में जो सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होता है और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? तो ये क्या है, एक टेबल है और इस टेबल पर ये एक लैंप है, यहाँ पर खड़ा रखा हुआ है लैंप। तो किसी दूसरे व्यक्ति को आप इसके लोकेशन के बारे में कैसे बताएंगे? तो जाहिर सी बात है कि लोकेशन बताने के लिए हमको दो चीज़ तो चाहिए ही, मीन्स दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो टेबल जो होता है ना, तो टेबल बेसिकली वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। टेबल वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे कि ये एक टेबल है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है, और ये वाला जो है इसका इसका ब्रेथ हो गया। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेकिन अभी भी इसके लोकेशन का पता तो नहीं चल रहा है। कैसे पता करेंगे लोकेशन? जैसे कि इस लेंथ लेंथ से, इस लेंथ एज से मान लिया जाए कि इस लैंप का जो डिस्टेंस है, तो सपोज कि ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस एज से इस लैंप का जो डिस्टेंस है वो कितना, 20 सेंटीमीटर। इस ब्रेथ एज से, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो अब तो एग्जैक्ट लोकेशन इसका पता चल गया कि लेंथ एज से 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ एज से 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर इस तरह से लिखें कि इसको जैसे है कि लेंथ और ब्रेथ है ना, इस फॉर्म में हम लिखें तो क्या लिखा आएगा? तो ये लिखा आएगा 20 और 10, ठीक है। लेकिन इसको हम ब्रेथ और लेंथ इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा आएगा इसका, 10 और 20। तो बेसिकली हमको लोकेशन पता करना था इस लैंप का, तो लैंप का हमने लोकेशन पता कर दिया और यही चीज़ हमको क्वेश्चन में भी कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं कि क्या है इसका स्ट्रीट प्लान और ये क्या हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें है क्या कि ए सिटी हैज़ टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं। तो दो मुख्य सड़कें कौन कौन हैं? एक तो है ये रेड कलर वाली वेस्ट ईस्ट, और दूसरा नॉर्थ और साउथ। ये दो मुख्य सड़कें हैं जो कि एक सेंटर पर मिलती है। अब क्या है कि ईस्ट वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ साउथ, तो इसके पैरेलल में 5 रोड्स है ना, ये पैरेलल में, किसके पैरेलल में, तो वेस्ट ईस्ट के भी पैरेलल में 5 रोड्स। तो कौन कौन सा 5 रोड्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ के भी पैरेलल में 5 रोड्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। और इसका जो गैपिंग है, मीन्स इसका जो डिस्टेंस है इसके बीच का, ये है 200 मीटर। तो यहाँ भी इसका जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में, ये भी 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है। उसी तरह से इस तरह से भी हम देखें तो इस तरह से भी इधर का जो डिस्टेंस है, ये सब का क्या है, इक्वल, मीन्स 200 मीटर इसका गैपिंग है। इसमें जो स्केल का यूज़ किया गया है तो वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 200 मीटर तो इस बोर्ड पर तो इंडिकेट नहीं कर सकते। आगे है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। तो इस मॉडल में
बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट है। कौन कौन सा क्रॉस स्ट्रीट है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जितना भी यहाँ पर ये है, ये क्या है, ये सब जितना भी है सब क्रॉस स्ट्रीट है, एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जितना भी है ये सब क्या है, यहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट है। और ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स। अब जैसे कि ये यहाँ पर बना, तो एक ये स्ट्रीट है और एक ये स्ट्रीट है, तो जितना भी ये पॉइंट है तो ये दो स्ट्रीट्स से मिल करके बना है, एक तो वेस्ट ईस्ट की ओर जाने वाली और दूसरी नॉर्थ और साउथ की ओर जाने वाली। आगे है कि इफ़ दिस सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकेंड स्ट्रीट कौन सा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और सेकेंड स्ट्रीट कौन सा है, तो ये वाली है सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है। फिर एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, तो फिफ्थ, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का फिफ्थ क्रॉसिंग रोड कौन सा है, तो ये है, ये वाली रोड है, तो इस रोड का बात हो रहा है, इस रोड का है ना। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ये सेकेंड रोड है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ये जो फिफ्थ रोड है, ये वाली रोड, तो जहाँ पर मिलता है ये यहाँ पर मीट कर रहा है, तो ये जहाँ पर मिल रहा है, ये जहाँ पर मैच कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको 2 और 5, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल द स्ट्रीट 2, 5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। तो इस मॉडल में क्या पाया गया यहाँ पर कि ये 2 और 5 है इस क्रॉसिंग रोड का जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको पैटर्न दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में पैटर्न नहीं दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि लेंथ हम ले लिए थे 20 और ब्रेथ लिए थे 10, फिर दूसरे केस में ब्रेथ को ले लिए थे 10 और लेंथ को ले लिए थे 20। वहाँ पर इसलिए लिए थे क्योंकि हमको वहाँ पर पार्टिकुलर हमको कोई पैटर्न नहीं दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में ये पैटर्न दिया गया है कि 2 और 5 है ना, 2 और 5 यहाँ पर दिया हुआ, इसका मतलब क्या कि ये 2 कौन सा है, ये वाली है 2, और ये 5 कौन सा है, तो ये वाली है 5। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो 2 है तो 2 कौन सा डायरेक्शन का मेंशन कर रहा है यहाँ पर, ये कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन का मेंशन, ठीक है। और ये जो 5 है, ये 5 कौन सा कर रहा है, तो 5 कर रहा है ये ईस्ट डायरेक्शन का, नॉर्थ और ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड रोड फॉर 3। इस मॉडल में कितना ऐसा क्रॉस रोड है, क्रॉस स्ट्रीट्स है, जो कि 4-3 को यहाँ पर रेफर्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इन्होंने जो अपना जो मॉडल दिया है, तो उसमें तो 2 और 5, तो 2 कौन सा, किस डायरेक्शन का है, तो 2 था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, और 5 जो है वह क्या था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 4-3 का हमको पता करना है, तो 4-3, तो इसका मतलब है कि 4 जो है वह कौन सा स्ट्रीट में होगा, वह होगा नॉर्थ और साउथ का, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। तो ये 4 नंबर स्ट्रीट, तो इस रोड का बात हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये वाली रोड की बात हो रही है यहाँ पर। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड रोड्स 4-3, तो ये 4th नंबर स्ट्रीट है। और यहाँ से पता किया हम इसका क्या चीज़ कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में ये नॉर्थ और साउथ, तो ये वाली रोड है, और आगे है यहाँ पर 3, तो 3 क्या है, तो ईस्ट वेस्ट वाली रोड है, तो ईस्ट वेस्ट वाली रोड कौन सा है, ये ईस्ट वेस्ट वाली रोड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या क्या मीट कर गया, तो इसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसके हिसाब से है ना, ये 4 और 3 यहाँ पर, 4 और 3, तो कहता है क्या कि इस मॉडल में जितना भी ये क्रॉसिंग है, रोड का जो क्रॉसिंग है,
तो फोर और थ्री और कितना जगह यहाँ पर हो सकता है? तो इसका आंसर है कि अब एक भी जगह नहीं होगा, फोर और थ्री सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा जो कि वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर टू है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज थ्री फोर। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर वन में फोर थ्री को इंडिकेट करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर कह रहा है कि थ्री फोर इस मॉडल में कितने जगह पर पॉइंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं थ्री फोर, तो इसी के मॉडल के हिसाब से तो ये जो थ्री है तो थ्री वो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है थ्री। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड नंबर रोड कौन है, ये है थर्ड नंबर रोड और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये वाली रोड है, ठीक है, ये वाली रोड। और फोर्थ स्ट्रीट कौन सा है, तो फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है, मीन्स क्या, तो ये वाली रोड, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये है ना। तो इसका जो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, थ्री और ये फोर। अब थ्री फोर कोऑर्डिनेट को इस प्लेन में हम और कहीं पर भी इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में भी और क्वेश्चन नंबर टू में भी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं इस ग्राफ पेपर पर, इस मॉडल पर। तो आई थिंक आपको एक एक्सरसाइज 3.1 का जो दोनों क्वेश्चंस था इसको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।